हाँ फिलहाल भाइयों बहनों, माय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के ब्लॉग में आप देख सकते हैं भाइयों बहनों, कुछ भक्त आ रहे हैं बागेश्वराय नवा बागेश्वर धाम पर, ये जा रहे हैं। देखो आप देख सकते हो भाइयों बहनों इनको। फिलहाल हम अभी इनसे आपकी बातचीत करवाते हैं। भाइयों बहनों वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो पिंड भर के आ रहे हैं भक्त। जय बागेश्वराय नवा। आप हमें ये बताओ अंकल जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम इधर आ रहे हैं फरक्काबाद। फरक्काबाद यूपी से। कितने दिन हो गए आपको हमको चलते चलते? हो गए 15 दिन। 15 दिन। तो आप कितने दिन तक बागेश्वराय नवा बागेश्वर धाम पर आप पहुँच जाएंगे? जब तक भी इच्छा हो, कोई पता नहीं। अच्छा अच्छा, सफर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या दादाजी थकावट नहीं आ रही होगी आपको? इतने दिन हो गए आपको चलते चलते। बिन के भरोसे कुछ नहीं हो रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम? हाँ आप बताओ। बढ़िया है, बढ़िया, आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। कितने दिन हो गए आपको? हो गया 2-3 दिन हो गया। अच्छा अच्छा जी। अच्छी बात है भाइयों बहनों। देखो देख सकते हैं आप, भैया 15 दिन हो चुके हैं इनको निकले और कोई थकावट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भी देख सकते हो इनको। वो भी अपन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक बार वो धनरगुआ सरकार आए थे। अच्छा अच्छा, धनरगुआ सरकार भी आए थे। हमने भी ये सोचा था कि भगवान हमारे भी दर्शन हो जाए। हाँ। तो वो तो हम उनके दर्शन करने तो पहुंच नहीं पाए। हाँ। पर उन्हीं की मूर्ति हमारे सामने सपनों में जरूर आई थी। सपने में? हाँ, साक्षात में आई थी। वेरी गुड। देखो भाइयों बहनों देख सकते हैं, विश्वास एक अटल होता है परमात्मा। विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं। तो बागेश्वर धाम पे आपकी अर्जी जरूर लगेगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। आपको सपना दिया था। हाँ, तो चमत्कार है भाइयों बहनों, कितना बड़ा चमत्कार हुआ। सोची थी इतने भीड़ में अपन कौन नंबर लगेगा, जाएंगे नहीं पाएंगे, गरीब आदमी है। अच्छा। पर वो क्या है, नंबर हमारा यहीं लग गया था। चलो भाइयों बहनों, कितनी सत्यवाद वो बता रहे हैं। क्या बात, कितना अच्छा दर्शन इनको हुआ है भगवान का। तो आप ये लोग जा रहे हैं, पिंड भर के जा रहे हैं, आप भी देख सकते हो। तीनों जने, तीनों पैदल पानी के उफाने, सब जने सब जने उफाने हैं। और भाइयों बहन आ रहे हैं वहीं से। हम तो झंडा पकड़ा है, पिंड नहीं भर रहा है। पिंड तो ये लोग तंगवा है, हम लोग साथ में तो आना है यार, पैदल आना पड़ता है। अच्छा अच्छा, पैदल क्या चप्पल जूते की क्या जरूरत पड़ रहा है उधर? चप्पल जूते की कोई जरूरत नहीं, बालाजी सरकार की कृपा है। बागेश्वर बालाजी, कितना अच्छा कार्यक्रम चलते हैं, लोग देखते हैं। सही बात है, सही बात। हम सोचता है पैदल जाएंगे यार, आनंद लेंगे कुछ। फिलहाल दिन में पहुँच जाओ यार, जितने दिन में उनकी इच्छा हो जाए, हम तो पैदल चल रहे हैं, ये कोई निश्चित नहीं कर सकते। और क्या कहना चाहेंगे बाबा जी? और ये कहना चाहेंगे और लोगों की यह श्रद्धा है, वो सारी मनोकामना पूर्ण होती है वहाँ। अच्छा। अगर तुम्हारा विश्वास अटल है। अब तो अटल ही विश्वास है भाइयों बहनों, आप भी देख सकते हो। कोई व्यक्ति अगर एक व्यक्ति 2 दिन बाद चले तो भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, 2 घंटे के अंदर थक जाएगा। विश्वास के अंदर ही ईश्वर है। विश्वास, बिल्कुल बात सही है आपकी। और आप भी देख अगर सकते विश्वास हो। है तो ईश्वर है, नहीं पत्थर है वो तो अपन जी मानते, अपन किसी को कुछ नहीं कहते, जिसको विश्वास है वो जा सकता है। सही नहीं, आपका भगवान भला करे और चमत्कार हुआ है आपके साथ। ठीक है, तो हम कुछ इनके लिए कुछ पानी की बोतल और वो आए थे तो देखो हम इनको कुछ पानी की बोतल, पानी की बोतल है और उसमें चलते चलते सफर कट जाता है, उन्हीं कृपा से पता भी नहीं चलता है। आनंद आ रहा है, थोड़ा रहे रास्ते में बहुत मिलता है पानी यार रास्ते में। अच्छा देखो आप देख सकते हैं, इनको पानी की बोतल हम दे देते हैं। लो अब जी देखो ये क्या है, ये परमात्मा की कृपा है, हमको सफर में मिल रहा है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा हम उपहार इनके बोल दिया है, आप लोग व्रत होंगे तो इस वजह से हमने पेठा लेकर आए हैं। हमने छोटू भेजा था अभी, वो लेके आया। ले खा ले तुम, मीठा करो, खाओ प्रसाद है बागेश्वर धाम सरकार का। ले जय हो महाराज, जय हो बागेश्वर महाराज, बस जय हो प्रभु। ले फूटी ले, ले बेटा ले जा, ले चल खाइए आप पेठा, हम और पानी भी पीजिए। और हम पे जितनी सेवा और क्या मदद कर सकते, क्या सहायता आपकी कर सकते हैं? कुछ पैसे वगैरह? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आप इस वजह से कह रहा हूँ, कुछ बैग तो आप टांगे ही हैं, सारी व्यवस्था है इसमें, खाने पीने की कपड़े सब बैग हमारे पास, देखो ये बैग में रखते हैं सारा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जैसे कोई प्रॉब्लम कहीं दिक्कत कुछ नहीं, उनके नाम से कोई दिक्कत ही नहीं होती। चलो बढ़िया है। और चमत्कार एक कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा है, आपने भक्ति भजन किया है, इस वजह से आप पे बाबा ने चमत्कार जो दिखाया है सपने में। और सपने में देखो बहुत किसी किसी को ही मिलते हैं देवी देवता, जो भक्त होते हैं उनको। तो देखो दादा भी हैं, कितनी साल उम्र होगी दादा? 60 साल। 60,
60 साल के दादा हैं और वे भी पिंड भर के जा रहे हैं वहाँ बागेश्वर धाम। फिलहाल देख सकते हैं भाइयों बहनों, कोई भी व्यक्ति हो जैसे आदमी यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, इतना हमें पता है। और इतनी तपती धूप और गर्मी का टाइम, और फिर भी आप देख सकते हैं पिंड भर के जा रहे हैं आप। फिलहाल देख सकते हैं 8-9 बजे के बाद निकलना मुश्किल हो जाता घर से, इतनी गर्मी पड़ रही है। क्या आप पे देखो कितनी शक्ति कृपा भगवान ने बरसाई है, हम पे कुछ नहीं, सब उन्हीं की कृपा है। अच्छा 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 अच्छा, देखो वाह, झंडा लेकर भी जा रहे हैं जी, कितना अच्छा। हमें सुबह सुबह दिखा हमने कि कुछ लोग पिंड भरते चले आ रहे हैं, हमने चलो को तो सेवा करते हैं उनकी, तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में आप लोगों को भी मिल जाएगा कुछ पुण्य धर्म इसमें। अच्छा, अच्छा। हाँ, सेवा करने का तो बहुत बड़ा महत्व है। देखो हम तो जातवाद नहीं देखते, हमारा सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जाके कुछ नहीं होती, भगवान जी के पास जातवाद। देखो यहाँ तो लोग जातवाद रखते हैं। हाँ वो जातवाद रखते हैं, इसलिए तो जा रहे हैं वहाँ पे दिखाने के लिए जात जो झूठा है कि सही है। सही बात है क्या, क्योंकि इन लोगों के अंदर जो कीड़ा भरा हुआ है कि वहाँ के सर झूठा है झूठा है, तो उसको दिखाने के लिए तो जा रहे हैं। सत्य क्या है? नहीं देखो देखो जो लोग क्या है राजनीति, कुछ राजनीति के लोग रोटियां सेकते हैं, वो झूठा बोल रहे हैं, वो झूठा बोल रहे हैं। देखो राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, वो झूठा बोल रहे हैं। हमारी का धर्म के नाम एमपी के अंदर छतरपुर पड़ता है। मेरे भैया आप हैं यूपी के, मेरे यहाँ ऐसे ऐसे मंदिर हैं अभी जो कोई बता नहीं सकता है कि 4 बजे कोई पूजा कर जाता है। ऐसे डब्बे यहाँ दरबार हैं, पता ही नहीं चला आज तक, किसी ने देखा ही नहीं पाया। लोगों ने कैमरा भी लगाए, कैमरा भी वहाँ फैला है, आज विज्ञान भी फैला है वहाँ। कुल मिला के जी है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक बात बताऊँ भाई साहब, लोग क्या है, लोग फंसे हैं अंधकार में। हाँ बिल्कुल, लोग अंधकार में इसलिए फंसे हैं, उनको यही पता नहीं है जिसको सारा सृष्टि चला रहा है, सारा सृष्टि को चला रहा है, सारे संसार को चला रहा है, तुमको पैदा किया है, बनाने वाले वैज्ञानिक को पैदा किया है, फिर भी लोग अंधकार में फंसे हुए हैं। सही बात है, सही बात, ईश्वर है नहीं है, ईश्वर क्यों नहीं है, है ना, तब है तो ईश्वर है, तब नहीं तो का घंटा है। सही बात है। फिलहाल देख सकते हैं, देखो भाइयों बहनों पैदल कितनी बड़ी तारीफ है, लोग पैदल जा रहे हैं। और एटा मेनपुरी यहाँ से थोड़ी दूर तो है नहीं, बहुत ज्यादा दूर है, और हमारी जाम खड़े है ना भिंड में, यहाँ से भिंड कम से कम 400 किलोमीटर के करीब है, और जिस एटा मेनपुरी कम से कम 550-600 पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, 250-200 किलोमीटर है भिंड से। अच्छा, हाँ बड़े फर्क का, तो 700 किलोमीटर आप ऐसे ही जाओगे पहल पिंड भर के। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलते जाएंगे, कृपा होगी उनकी, कृपा है ही उनकी, तब तक यहाँ तक आए हो आप, कृपा है और आगे जाओगे आप, आगे जाएंगे, आपकी अर्जी भी लगेगी, चिंता मत करना। ठीक है, वीडियो को लाइक, जय बागेश्वर, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जो करना है। शास्त्री जी है ना, उनकी एक तो हम इस भक्ति पे खुशी है क्योंकि उनने बचपन से भक्ति की है। अच्छा हाँ, बचपन से ही, अभी शादी की उम्र होती है, मजा लेने की उम्र, अपन तो सही बोलते हैं, मजा लेने की उम्र होती तब उनने भक्ति करके अपना नाम कमा पाया। सही बात, नाम तो हर कोई नहीं कमा सकता। सही बात, संसार में और भी लोग हैं। उस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति की अभी 20-25 साल उम्र हुई ज्यादा, तो उनने 24 साल उम्र बचपन की उम्र, बचपन में भक्ति करके उनका नाम हो गया। हाँ, नाम क्यों नहीं होगा, बचपन में मजे लेके बुढ़ापे में भक्ति करें, क्या भक्ति हुई? सही बात है, नई भक्ति को सलाम किया, बचपन से ही भक्ति की जाती है। कौन काम कार्य होता है, बच्चा पढ़ता है, बचपन से ही होता है। जैसे मकान की नीम अपन बनाते हैं ना, नीचे से पहले उसकी मजबूत हो जाती है, तब उस पे आप बिल्डिंग खड़ी करते हैं। बात करो, देखो बचपन से प्रहलाद ने भी भक्ति करी, ब्रह्म ने भी भक्ति करी, तो उनकी भक्ति सक्सेस है।